मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिवपुरी जिले में समावेत भ्रमण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शिवपुरी जिले में संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विधायक यशोधर राजे सिंधिया ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जानकारी ली और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री यशोधर राजे सिंधिया ने ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उसी तरह जिस तरह की खबरें आती है कि खेमेबाजी में बढ़ती जा रही है भाजपा, नई भाजपा पुरानी भाजपा, आपका क्या कहना है इस पर? लगातार इस तरह के मामले सामने, संगठन का इशू है, मुझे लगता है संगठन बहुत अच्छे से इसको हैंडल करेगा। थैंक यू। हमारे तो अटेम्प्ट है, और अगर हम हर महीने कहेंगे और आपको 10-15 हर महीने छोटे छोटे जिलों में मिलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज रोजगार हम अपने लोगों को दिलवा पा रहे हैं। तो यूथ को क्या कर रहे हैं, अब यूथ का हम सम्मेलन कर रहे हैं, अभी जनवरी में बहुत बड़ा सम्मेलन होगा प्रवासी भारत के बाद, और उसमें जो आइडियाज़ हैं मुख्यमंत्री के वो हम लाएंगे सामने यूथ के लिए, ताकि यूथ भी सोचे कि ये पार्टी और ये सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। सीएम का बड़ा कार्यक्रम है शिवपुरी में, संभागीय कार्यक्रम है, तो शिवपुरी को लेकर या संभाग को लेकर कोई ये संभागीय कार्यक्रम, संभागीय कार्यक्रम हो रहे हैं घोषणाओं के लिए नहीं, पर जो उनका जनसेवा अभियान चल रहा है वही बात जो मैं कह रही थी कि आज हितग्राही को मालूम नहीं है कि कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। आयुष्मान कार्ड मैंने दे दिया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ने आपको फ्री फंड दे दिया, पर क्यों, कैसे, किसने किया, किसका आइडिया थी, किसका सुझाव था, ये भी कभी सोच सकता है आदमी? नहीं। पर ऐसे ही जनसेवा में कम से कम 20-25 हज़ार हितग्राही मिलेंगे उस दिन, और मुख्यमंत्री कहते हैं, और वो भी सही है, क्योंकि हम लोग जब प्रभारी मंत्री होने के नाते हम लोगों को दो दो एक्स्ट्रा जिले दिए गए, तो हम लोग, मैं कटनी गई और कटनी में मैं हितग्राहियों को अपना पैसा, जो भी कार्ड्स हैं, आयुष्मान कार्ड्स हैं, जो भी हमें देना था दे रहे थे, तो पूछ रही थी उनसे ये किसने दिया आपको, जानो, ये जवाब होता था जानो नगर पालिका, किसी ने कहा, किसी ने कहा तुमने, किसी को मालूम नहीं है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर पैसा स्पेंड हो रहा है ऐसे ऐसे योजनाएं में हैं जहां एक एक जनता के एक एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ उससे मिल रहा है। लाभ किस वजह से, पैसे की बात नहीं है, लाभ उस वजह से कि मेरा, मेरी जीवन बेहतर हो रही है। तो अगर मेरी जीवन बेहतर हो रही है तो आपको फिर मालूम होना चाहिए कि कौन आपकी मदद कर रहा है उस जीवन को बेहतर करने के लिए, उसको मालूम ही नहीं है अभी तक। इसीलिए ये सब जनसेवा योजनाएं चल रही हैं, सम्मेलन चल रहे हैं जहाँ